गुलदाउदी जाड़े के मौसम में खिलने वाला एक बहुत ही खूबसूरत और लोकप्रिय पौधा है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। अभी ये पूरे विश्व का एक बेहद लोकप्रिय पौधा है तथा व्यापारिक दृष्टिकोण से गुलदाउदी की खेती भारत, ईरान, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड आदि देशों में की जाती है। बहुत लोग अक्टूबर नवंबर में सोचते हैं कि गुलदाउदी कैसे लगाएं, लेकिन तब तक कुछ लोगों के प्लांट काफ़ी आगे निकल चुके होते हैं। इसलिए अगर आप बरसात में इसकी कटिंग लगा लें तो जाड़ों में आपको ढेर सारे फूल मिलने लगेंगे। गुलदाउदी एक ऐसा पौधा है जो अकेले आपके पूरे गार्डन में चार चांद लगा सकता है। गुलदाउदी के अलग अलग किस्मों के फूलों में इतना अंतर रहता है कि कई लोग उसे अलग फूल ही मान लेते हैं, अलबत्ता इसके पत्ते एक जैसे ही होते हैं। गुलदाउदी की खूबसूरती और ढेरों खूबियों के कारण ही यह जापान का राष्ट्रीय पुष्प यानी कि नेशनल फ्लावर है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम गुलदाउदी को कैसे रिपॉट करें, यदि आपका पुराना प्लांट है तो उसे रिजनवेट करने की ज़रूरत है अक्टूबर के मंथ में, ताकि जनवरी, फरवरी, मार्च तक आप उसमें अच्छी फ्लावरिंग ले सकें। यदि आप रिपॉट कर चुके हैं तो कौन से खाद का इस्तेमाल करें, आज की वीडियो में ये सारी बातें आप जान सकेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखें। फ्रेंड्स, गुलदाउदी के यदि पॉट के चुनाव की बात करें तो 10 से 12 इंच का आइडियल पॉट होता है। मैंने करीब 6-7 इंच का पॉट लिया है, यानी 6-7 इंच के पॉट में भी आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये जो खाद है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो मैं मिलाऊंगी। ये पोटाश है, पोटाश आपको पता है अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही हेल्प करता है, और चूँकि उसकी पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत होती हैं उसके लिए मैं वर्मी कंपोस्ट मिला लूँगी। वर्मी कंपोस्ट आप उसकी जब मिट्टी तैयार करें तभी मिला लें। बालू रहित यानी कि बालू में आपका जो ये प्लांट है ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है, तो जब भी आप मिट्टी तैयार करें बालू की अच्छी मात्रा मिलाएं ताकि वेल ड्रेन मिट्टी तैयार हो। फ्रेंड्स, ये आप देखो इसकी जड़ें कितनी अच्छी हो रही हैं। मैं आगे की वीडियो में दिखाऊँगी कि किस तरीके से ये लास्ट ईयर के प्लांट को मैंने एक मग्गे में लगा करके रख दिया था और अभी मैं इसे रिपॉट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इसको इन सारे खाद को मिला करके अपने गमले में आप एक अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें। इससे इसके बाद आपको जनवरी, फरवरी तक कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आप 15 डेज पर जो फर्टिलाइज़र जैसे केले के छिलके वाली खाद या अदर जो खाद आप डालते हैं वो डालते रहिए। लेकिन एक अच्छी सॉइल को रेडी करना ज़रूरी है ताकि उसकी जड़ें भी फैल सकें और एक अच्छा घना पौधा तैयार हो सके। यदि आपने अपने गुलदाउदी को रिपॉट कर लिया है तो उसे ऐसे जगह पर रखें जहां पर कि सूर्य की रोशनी पूरे दिन की मिल सके या फिर 4 से 5 घंटे की रोशनी ज़रूर मिले ताकि उसमें अच्छी फ्लावरिंग हो सके। यदि आप शेडेड प्लेस में रखेंगे तो हरा भरा तो पौधा फिर भी होगा, लेकिन पत्तियाँ आएंगी और पौधा लेगी सा हो जाएगा, लेकिन फ्लावरिंग उसमें नहीं होगी। इसलिए गुलदाउदी को सनलाइट बहुत पसंद है, आप कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप ज़रूर दीजिए अच्छी फ्लावरिंग के लिए। फ्रेंड्स, ये पुराना प्लांट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लास्ट ईयर का प्लांट है। मैंने इस एक प्लास्टिक के मग्गे में लगा करके रखा था। इसकी मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन है, आप सिर्फ बालू में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, पूरे साल सर्वाइव करता है। ये देखो इसकी जड़ें कितनी अच्छी रेडी हो गई हैं। अब मैं अगले सीज़न की फ्लावरिंग के लिए इसे आज रिपॉट कर रही हूँ, जिसका वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से अपने गुलदाउदी के प्लांट की हम केयर करेंगे ताकि उसके सीज़न में यानी कि ठंड में ज़्यादा से ज़्यादा हम धूप ले सके ज़्यादा से ज़्यादा हम फूल ले सके। गुलदाउदी का पौधा समान रूप से नम मिट्टी पसंद करता है। पौधों को तब पानी दे जब ऊपर की 1 इंच मिट्टी सूख जाए। यदि गमले में पानी डालते हैं तो मिट्टी की सतह को तब तक पानी दे सकते हैं जब तक कि बर्तन के नीचे से नमी ना निकलने लगे। यानी कि वाटरिंग आप कीजिए अपने प्लांट में, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं कीजिए। और पौधों की तरह ही इसका भी ख्याल रखिए कि ऊपर की सतह जब सूखी दिखती है आपको उसके बाद ही वाटरिंग करें। कभी कभी वाटरिंग की कमी से इसकी पत्तियां झुकने भी लगती हैं।
ये तो बात हो गई कि गुलदाउदी को कैसे किस जगह पे रखेंगे, वाटरिंग किस तरीके से करेंगे, और खाद जो मैक्स मिनिमम जो खाद है, 16 तरीके के पोषण चाहिए होते हैं हमारे किसी भी फ्लावर के, प्लांट के, उसके पूरे जीवन काल में। तो जिसमें ये चार पांच तरीके के बेसिक खाद हैं जो आपको स्टार्टिंग में ही रीपॉट करने के समय ही अपनी मिट्टी में मिलाने होते हैं। फ्रेंड्स, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी यदि आपके गुलदाउदी का पौधा छोटा है तो आप एक दो बार उसमें पिंचिंग कर दें जिससे कि पौधा घना हो जाए। पिंचिंग की प्रक्रिया शुरुआती दौर में ही प्रारंभ कर दी जाती है। जब पौधा 6 इंच का हो तभी उसके ऊपरी भाग को थोड़ी सी पिंच कर दिया जाता है, यानी कि तोड़ दिया जाता है। इससे दो जगह से शाखाएँ निकल जाती हैं और फिर आपका पौधा काफ़ी घना रहता है। अब बात यह है कि कीड़ों से किस तरीके से बचाव करें, क्या गुलदाउदी में कीड़े लगते हैं? गुलदाउदी में वैसे तो सम ही कीट रोधी पदार्थ यानी कि पायरेथ्रम पाया जाता है। इसके बावजूद भी इन पर एफिड्स का अटैक बहुत ही जल्दी हो जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप नीम ऑयल का छिड़काव किया करें। नीम ऑयल आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जहाँ तक इसके खाद की बात है, अगर आपके पॉटिंग मिक्सचर में कंपोस्ट मिलाया होगा जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, तो कली आने के पहले आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। बीच में एक आध बार आप बोन मील, जानवरों की हड्डी जो मैंने दिखाया था, बोन मील आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है, आप मंगा लिया करें और उसे थोड़ा सा छिड़काव कर दिया। आप सरसों की खली भी इसमें मिला सकते हैं। मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि सरसों की खली वाली खाद को किस तरीके से तैयार करते हैं। वो इसके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, इससे फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगता है, ये जानकारी अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।